नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। यूपी विधानसभा के 18वें सत्र के लिए सभी नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। इस मौके पर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विधायक पद की शपथ ली। तो चलिए आपको दिखाते हैं शपथ ग्रहण की कुछ खास झलकियां प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में। जय श्री राम, जय श्री राम। ये सुनकर आप सभी को कुछ ऐसा एहसास हो रहा होगा कि जैसे हम किसी मंदिर का नजारा देख रहे हो। लेकिन रुकिए जरा, इस नजारे को धार्मिक स्थल समझने की भूल ना करें, क्योंकि ये जो तस्वीरें आज आप देख रहे हैं, ये देश के सबसे बड़े सूबे यानी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा की तस्वीरें हैं, जो शपथ ग्रहण से पहले जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। ये नारे तब लगाए गए जब सूबे की कमान दूसरी बार अपने हाथों में लेने वाले योगी आदित्यनाथ विधायक पद की शपथ लेने पहुंचे। मैं इसी द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। जय श्री राम से गूंजा विधानसभा भवन। सीएम योगी ने ली विधायक पद की शपथ। विधानसभा अपने नवनिर्वाचित नए सदस्यों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। आज यहाँ पर मान्य सदस्यगण शपथ लेकर के संविधान के अनुरूप उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में अपने योगदान को आगे बढ़ाने का एक संकल्प भी लेंगे। मैं इस अवसर पर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं। सबसे पहले सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। उन्हें प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने शपथ दिलाई। 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद जैसे ही सीएम योगी नीचे उतरे तो उनका सामना अखिलेश यादव से हो गया। अखिलेश यादव को देखते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुस्कुराए और दोनों ने हाथ मिलाया। इस दौरान सीएम योगी ने अखिलेश को बधाई देते हुए उनके कंधों पर हाथ रखा। इसके थोड़ी देर बाद अखिलेश ने विधानसभा के अंदर सभी विधायकों का अभिवादन किया। इस दौरान अखिलेश ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी हाथ मिलाया और शपथ लेने पहुंच गए। मैं अखिलेश यादव, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अखिलेश यादव के बाद पूर्व मंत्री और बीजेपी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के प्रत्याशी सतीश महाना ने शपथ ली। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंदगोपाल गुप्ता नंदी, योगेंद्र उपाध्याय, नितिन अग्रवाल, अनिल राजभर, राकेश सचान समेत कई मंत्रियों और विधायकों ने शपथ ली। सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ लेते सामान्य सदन में जय श्री राम के नारे लगे, जबकि अखिलेश के शपथ लेते समय सपा के विधायकों ने जय समाजवाद और जय जवान जय किसान के नारे लगाए। शपथ लेने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, केवल बेंच बदल गई है, मैं अब विपक्ष में बैठूंगा। सरकार की जवाबदेही के लिए विपक्ष काम करेगा और विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होगी।
मैं विधानसभा में रहा हूँ, केवल बेंच बदल गई है। मैं अभी पक्ष में बैठता था, विपक्ष में बैठूंगा। सरकार की अकाउंटेबिलिटी के लिए विपक्ष काम करेगा, जो विपक्ष की भूमिका है सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहली बार विधायक बने हैं। अखिलेश यादव मैनपुर की करहल सीट से चुनाव जीते हैं, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर सीट से विधायक बने हैं। इससे पहले सीएम योगी विधान परिषद के सदस्य थे, जबकि अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद थे। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।